मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अचानक पानीपत की अनाज मंडी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने धान की फसल के बारे में किसानों की समस्याओं को सुना। किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने धान की फसल को सरकारी रेट पर ही खरीदने का आश्वासन दिया। किसानों ने कहा कि यदि निर्यात खुलता है तो बासमती महंगी होने के आसार हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये समस्या केंद्र सरकार को भेजेंगे, वे क्या निर्णय लेती है, वो क्या पॉलिसी बनाती है, उस पर निर्भर करेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि धान की फसल कोई समस्या नहीं है, सब धान उठ चुकी है। किसानों का कहना है कि उसका रेट पहले ज्यादा था पर अब कम हुआ है, सरकारी रेट नहीं मिल रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट रेट कम ज्यादा चलता है, हम सरकारी रेट जो कि 1835 क्विंटल है सबको देंगे, इस कोशिश में कोई कठिनाई नहीं आने वाली। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बासमती 11 से 21 के प्राइस का मुद्दा है, वे मार्केट रेट ऊपर नीचे होता रहता है। यार क्वालिटी की शिकायत यहाँ कोई नहीं है, इनको तो जो बासमती का जो सेकंड होता है कौन सी 1121 का रेट, क्योंकि मार्केट रेट है, फ्लक्चुएट होता रहता है। इनका कहना यह है कि उसका रेट पहले ज़्यादा था अब कम हुआ है, अब वो चूँकि सरकारी तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए हमने उनको बताया कि वो मार्केट रेट है, मार्केट जब भी कभी सप्लाई और डिमांड के हिसाब से कभी कम कभी ज़्यादा चलेगा। हम जो है सरकारी खरीद जो करते हैं वो न्यूनतम 1835 रुपये जो है वो सबको मिलेगा, उसमें कहीं कठिनाई नहीं आएगी, इससे वो लोग संतुष्ट हैं। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि एक्सपोर्ट अगर खुलता है तो हमारी जीरी जो है ये महंगी हो सकती है बासमती की। अब उसके लिए केंद्र सरकार का हम तो अपनी ओर से कह सकते हैं क्या पॉलिसी बनेगी, ये केंद्र सरकार जानेगी।